हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल मलिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह टाइम हो रहा है 5:35 सुबह के, 2 अक्टूबर डेट है आज की। सुबह सुबह हम जा रहे हैं कहाँ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ और नज़ारे इस टाइम आप देख सकते हो कि सुबह के 5:30 बजे और एकदम अंधेरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है अभी, ठीक है ना। 5:30 देख लो भाई, 5:30 बज रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है अभी, बट सुबह हो चुकी है। इतनी मतलब जल्दी उठने की मुझे आदत नहीं, नींद सी आ रही है, बट हाँ कि ट्रिप पे जाने तो यार उठना तो पड़ेगा ही। अपने आप ताकत आ जाती उठने की। लोग सुबह सुबह साइकिल करने के लिए निकल चुके हैं। 2 अक्टूबर आज छुट्टी है, सब साइकिलिंग करेंगे आज, सारे साइकिलिंग करेंगे। देखो कुछ लड़के जा रहे हैं साइकिलिंग करने, बहुत बढ़िया, फिटनेस फर्स्ट। कोई नहीं, हम आके फिटनेस के बारे में सोचेंगे। तो अभी चलते हैं हमारे फ्रेंड्स को पिक करने के लिए। अपने दोस्त को ना 5 मिनट पहले ही फोन कर दिया था कि मैं पहुंच चुका हूं, कि भाई वो लेट ना कर दे। ऑलरेडी हमने सोचा था कि हम 5 बजे निकलेंगे, 5:41 हो चुके हैं, 41 मिनट अभी हम लेट चल रहे हैं। तो देखते हो नीचे आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा मुझे पता है, आलसी नंबर 1 है सारे के सारे। देख लो नहीं आया। ओ भाई साहब, ये खड़ा हुआ है, तैयार खड़ा है, क्या बात है, क्या बात है। मैं पहले ही बोलते हुए आ रहे थे कैंप में, मुझे लगा कि तुम तैयार नहीं होगे, मतलब तू तैयार खड़े, क्या बात है, क्या बात है। पहली बार, अरे अगली बार ही नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ, सामान डाले। सैनिटाइजर, तो सारी सैनिटाइजर दे देता हूँ। अभी सारी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है 24/7 से। ये भाई को सैंडविच खाना था, ले लिया सैंडविच, मिल गया। हाँ तो सब रेडी हो? हाँ रेडी हो। ईशुभिया भरत जी रेडी? ब्रो रेडी। तो निकलते हैं अब फाइनली अपने हाईवे की तरफ। टाइम हो चुका है 6:13। कहा था ना मैंने आपको लेट हो जाएंगे, वही मतलब जो टाइम बोलो उस टाइम पे तो हम निकल ही नहीं सकते हैं, आलसी लोग हैं। चलो चलते हैं। कैमरा से ध्यान से चलना पड़ेगा, जो भी कैमरा देखे अलर्ट कर देना अर्जुन जी। भाई ये तो हाईवे पे तो बहुत ट्रैफिक है, मेरे ख्याल से सब निकल गए हैं आज ही हैं छुट्टी मनाने के लिए। अच्छे वाले हाईवे पे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। उतर रहा हूँ भाई। यार कितना ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे लगा था कि हम दूसरे हाईवे पे चढ़ जाएंगे अभी तक, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सारे के सारे 2 अक्टूबर को ही निकले हैं घूमने के लिए, मेरे ख्याल से सारे के सारे हमारी वाली जगह पे ही जा रहे हैं। मैंने जगह अभी तक रिवील करी नहीं है, थोड़ी देर में बताऊंगा। मैप्स भी दिखा रहे हैं कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि हम 12 बजे तक पहुंच पाएंगे, कम से कम 1:30 तो बजेगा। क्या लगता है कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? आपका कोरोना के बारे में क्या विचार है? वैसे तो कोरोना में ट्रिप हमें करनी नहीं चाहिए, बट हम फुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। हमारे पास आपका मास्क कहाँ है? मास्क है ना? ये ना मास्क अभी इसलिए उतार के क्योंकि हमने सेफ बंदों के साथ हूँ।
तो यार हर टोल पे इतना ट्रैफिक मिल रहा है, हर टोल पे। मतलब 2 अक्टूबर को मेरे ख्याल से आधा दिल्ली बाहर निकल चुका है। ये मैप पे आप देख सकते हो 8 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है टोल पे। और गाड़ियां देखोगे ना तो सिर्फ दिल्ली नंबर देखेंगे आपको। सब घूमने निकले हैं, मैं कह रहा था रात को चलते हैं, बोल रहा था मैं रात को निकलते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने भी यही बोला था। मेन बंदा कौन है वो एक बार अपनी शक्ल दिखा दे जिसने रात को नहीं जाने। मैंने भी रात को बोला था, किसी ने मानी नहीं। इसने रात को बोला था? नहीं, रात को बोला था इसने। झूठा आदमी है, पता नहीं। सही में भरत रात को निकल लेते थे, ये सब ना देखना पड़ता। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अब कोई जवाब नहीं है भैया के पास। अरे सॉरी यार, हमारा एक फ्रेंड है जो बीमार है बेचारा, घर पे मैं उससे बात कर रहा हूँ। जवानी पाया। अच्छा चंकी उठा हुआ है, टेक्स्ट कर रहा है। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ट्रैफिक है। तो हम रुक गए हैं ढाबे पे कुछ खाने के लिए। भाई को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। क्या खाना है, क्या खाने का मन है? अंडा ब्रेड। क्या खाओगे भाई? सेम, ये दोनों सेम खाते हैं। ये खाते रहते हैं। और क्या खाओगे? ऐसे सुनसान से ढाबे पे बुलाए हो। ब्रेड अंडा, सबको ब्रेड अंडा खाना है। हम खाएंगे आलू का परांठा सबको। आप ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे आप क्यों लेके आए हैं, ये सुनसान जगह पे लेके आए हैं? देखिए एक्चुअली हाईवे पे ना हर ढाबे पे भीड़ है ऐसे कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो यही सबसे ज्यादा खाली ढाबा लगा मेरे को, मैंने तभी यहाँ पर रोका है। ढाबा दिखा देता हूँ आपको एक बार। शिवा टूरिस्ट ढाबा। वैसे तो इस हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं सबका नाम सेम ही है, शिवा टूरिस्ट ढाबा ही है। आगे भी 3-4, पर बहुत भीड़ थी, ये थोड़ा मेरे को खाली लगा तभी मैंने यहाँ पर रोकी। हम इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मज़ेदार एकदम, 4 बंदों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं, बढ़िया सा खाते हैं कुछ बढ़िया। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम, 74 किलोमीटर रह गए हमारा रिजॉर्ट। और ऐसा कुछ रास्ता है, मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते। तो हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। गाइस थकान हो रखी, किसी को नींद नींद आ रही है? आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म है। क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया हमने, दोस्ती क्यों खत्म है? 24 घंटे हो गए उठे हुए। 24 घंटे हो तो हमने तो बोला था सो जाओ, तुम ही नहीं सोए। किसने बोला था कि उठे रहो? भरत सो लिया था ना तू भी थोड़ा बहुत? मैं आधा घंटा भाई, मैं तो 4 घंटे सो लिया था, इनका पता नहीं मुझे। हालत देख लो इनकी, तकी हाथ में लेके बैठे हुए। ईश भी कह रहे क्या हाल है, पर इनके खुद के हाल बेकार है इस टाइम पे। बे यार क्या सीन है, मतलब क्या हो क्या रहे। 5.5 घंटे के रास्ते को 6.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके, और आगे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कितने। पता नहीं कब पहुंचेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। भाई आगे वालों को तो आन दो, दिमाग ही नहीं है। पीछे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है, आगे इन्होंने ट्रैफिक बंद कर दिया। तो मतलब 2 अक्टूबर के चक्कर में जिम कॉर्बेट अगर कोई आ रहा है तो मत आओ, वापसी मुड़ जाओ बीच रास्ते में से, पर जिम कॉर्बेट मत आओ प्लीज, और मत आओ। यो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल। होटल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, और ये है हमारा होटल की रिसेप्शन। एक्चुअली ये 3-स्टार होटल है, बट गुड है, अच्छा है। तो कुछ ऐसा है हमारा रूम, पहले लिविंग रूम,
सोफा लगा हुआ है, दो तीन सीट लगी हुई है, साथ में यहाँ पर है बैल्कनी जिससे व्यू ओके ओके है, यहाँ पर दो कुर्सियाँ लगी हुई है, ये व्यू है, नीचे गार्डन है, साथ में एक और रूम इधर पीछे का ये व्यू है। यार बस एक ही दिक्कत है इस प्रॉपर्टी में ना, पहाड़ नहीं दिख रहे, मतलब थोड़ा हिल व्यू होता तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट चलो कोई नहीं ठीक है। वो पूल दिख सकते हो उधर आप, वो अभी कोविड की वजह से बंद हो रखा है, नहीं तो थोड़ा और फील आ जाती पूल यूज़ करते। चलते हैं आगे रूम में। दो सीढ़ियाँ चढ़ के ये है मेन रूम। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी ठीक है प्राइसेस के हिसाब से। थ्री स्टार प्रॉपर्टी है, थ्री स्टार के हिसाब से सही है, ये हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिली है। तीन दिन का स्टे ओनली इन 40,000, टू रूम्स जिसके अंदर हमें ब्रेकफास्ट लंच इंक्लूडेड है। तो अब चलते हैं अपना लंच करने। तो ऐसा है कुछ यहाँ का बुफे, रायता, स्टीम राइस, ये है येलो दाल, आलू गोभी, मटर पनीर और ये है सेमिया खीर, साथ में मेरा फेवरेट चिकन करी। तो बहुत भूख लगी है, सुबह से बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मैं तो ज़्यादा कुछ पूरे रास्ते में खाया नहीं, बस ड्राइव ही करता रहा। तो फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो हुआ क्या ऐसा, दिन में आपको मैंने सारा खाना वाना दिखाया, खाना देख के इतनी भूख लग गई, खाने भी सीधा अटैक करा हमने, खाना भर के खाया और इतनी भयंकर नींद आ गई ना, मतलब मैं आपको बोल भी नहीं पाया कि शाम को कंटिन्यू करते हैं कुछ, सीधा ढप करके सो गए और अभी उठे, उठते ही सीधा खाना फिर से स्टार्ट कर दिया। कहाँ ऐसा बटा दिया, खा लिया अर्जुन, नींद कैसी आई फिर देखो 3 घंटे की? बहुत ही बेकार, ठीक थी मतलब अच्छी थी भरत, व्यू तो इनको पसंद नहीं आया यहाँ का। खाना पीना हो चुका है, क्या सीन है फिर, चले फिर चले चने खाएगा। तो मैंने इन लोगों को बहुत मनाने की कोशिश करी कि चलो कहीं चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, बट ये इतने आलसी लोग हैं ना, कहीं जाने को नहीं माने, ऐसे बैठे हुए हैं, यहीं आज का दिन बर्बाद कर दिया है। कल का प्लान है हमारा रिवर साइड जाने का, तो हम कल जाने वाले रिवर साइड, तो रिवर साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या व्यू है, कैसे है। आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, पूरे दिन सुबह से 5 बजे से उठो, इतनी मेहनत करी वीडियो बनाई बीच बीच में रुक के, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।